हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपना जो चैप्टर 1.4 चल रहा था उसमें हमने समुच्चय के सम्मिलन और सरणिष्ठ की डेफिनेशन देख ली थी और सम्मिलन के कुछ क्वेश्चन भी देखे। आज हम सरणिष्ठ के क्वेश्चन देखते हैं। एक से चार तक क्वेश्चनों की बात कर ली थी 1.4 में। फिर भी आपके उसमें कोई भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट्स वगैरह में जो भी डाउट जो भी क्वेश्चन है वो लिख के सेंड कर सकते हो, तो वो आपको नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा जो भी वीडियो होगी उसमें आपको वो क्वेश्चन बता दीजिए। आज पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का प्रश्न फर्स्ट के दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करें। पांचवे क्वेश्चन में जो प्रश्न फर्स्ट दिया है सर्वनिष्ठ बताया था, इस प्रकार से दर्शाते हैं इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन, ये बताया ही था। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं इसमें, फिर पांचवे का फर्स्ट ही हो जाएगी। एक्स इक्वल दिया है हमें 135 और वाई इक्वल दिया है 123। सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या करना है इसका? एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल 135, फिर इंटरसेक्शन 1, 2, 3। इंटरसेक्शन इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1 इसके पास भी है तो 1 कॉमन आ गया। 3 इसके पास है, इसके पास भी है, 3 भी कॉमन आ गया। 5 इसके पास नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई यानी कॉमन वैल्यू देखनी आपने। अगर कुछ भी कॉमन आए तो यहां पर क्या आएगा? 5। इसमें से कॉमन क्या आ गया? 1 और 3। इस प्रकार से इसके जो 4-5 पार्ट है वो खुद करो। छठा क्वेश्चन, यदि a इक्वल, इसमें भी सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। वन पॉइंट फोर को आज आप फिनिश करेंगे जो भी इसके क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है, यदि a इक्वल, a इक्वल दिया हमें 3, 5, 7, 9, 11 और b इक्वल 7, 9, 11, 30 और c इक्वल 11, 13, 15 और d इक्वल 15 और 17। ये वैल्यू दी है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो ये बोल रहे हैं इनसे निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। जैसे फर्स्ट ही दिया इसमें a इंटरसेक्शन, तो देखो यहां पर a की वैल्यू लिख लोगे इंटरसेक्शन, यहां पर b की वैल्यू लिख लोगे। तो a इंटरसेक्शन b, a और b में कॉमन देखे, 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है तो ये कॉमन नहीं आ रहा। 5 भी नहीं है इसके पास, 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है दोनों के पास, तो क्या आ जाएगा कॉमन? 7, 9, 11। सिंपल क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट भी सिंपल है, हो जाएगा इसका। देखो इसमें थर्ड पार्ट देखो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, थर्ड पार्ट देखते, थर्ड पार्ट में लिया ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। तो देखो इसको किस प्रकार से कर सकते हैं? इसको ऐसे कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, पहले सी और डी का इंटरसेक्शन निकाल लो फिर ए के साथ कर लेना। यहां क्या कर सकते हो? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, किसी भी प्रकार से कर सकते। पहले ए इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं तो ए और सी में कॉमन क्या है? 3, 5, 7, 9, इसके पास सही नहीं 11 है तो एक तो इसमें आ गया 11। फिर इंटरसेक्शन डी, डी की वैल्यू लिख लो यहां पर 15 और 17, कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं आ रहा तो यहां पर क्या आएगा? 5। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या आ गया? 5। इसी प्रकार से इसका देखते हैं अब नाइन्थ पार्ट और देख लेते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात ही नहीं है। इंटरसेक्शन आ गया तो कॉमन लेना है, यूनियन आ गया तो सारे के सारे एलिमेंट्स आए हैं जी, रिवाइज नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है। अब यहां पर नाइन्थ पार्ट में दिया हमें
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या रहा है, 7, 9, 11 ये पता चल रहा है। तो यहां पर क्या लिखिए हमने, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन। देखो बी यूनियन सी है यहां पर, ऐसा नहीं है इसमें कॉमन लोगे, बी यूनियन सी यानी बी और सी के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो 7, 9, 11, 13 इसके तो आगे जा रहे, 11, 13 आई गए या पहले, 15 रह गए तो यहां पर और क्या आ जाएगा, 15 यूनियन आ गया यहां पर। ठीक है, अब इंटरसेक्शन करना है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, तो 7, 9, 11 तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है और आठवां क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, नौवां क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, रिंग समुच्चय आ गए, इसके आगे आपने क्वेश्चन नहीं करने, इसके बाद आपने करना है क्वेश्चन इसका, सातवां क्वेश्चन करना है एक तो, एक करना है आठवां, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन नंबर करोगे 12, उसके बाद क्वेश्चन नंबर करोगे 12 असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय आपको बताया था मैंने, जिनमें कोई भी सर्वनिष्ठ समुच्चय ना आए, यानी कि उनका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए उभयनिष्ठ, तो वो कौन सा होता है, असंयुक्त समुच्चय होता है। ये डेफिनेशन आपको क्लियर करवा दी थी, जैसे इसके फर्स्ट में दी है आपने, नौवां दसवां ग्यारहवां क्वेश्चन नहीं करते, समुच्चयों के अंतर वाले हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सातवें आठवें तक करके उसके बाद आपने इसका सीधा बारहवां क्वेश्चन ही करना है। बारहवें क्वेश्चन में दिया 2, 3, 4, 5 फर्स्ट है इसमें, ये बताना है असंयुक्त समुच्चय है ये सत्य है या असत्य है। 2, 3, 4, 5 और तथा 3, 6 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय ये सत्य है या असत्य है। देखो 2 इसके पास है नहीं है, 3 इसके पास है, इसके पास 3 कॉमन आ गया पहले, तो ये क्या है, असत्य है ये कथन, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है ये असंयुक्त समुच्चय, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट आ रहा है कौन सा, 3। अगर कॉमन एलिमेंट आ जाए तो वो असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, अगर इसके पास ये 3 न होता, ठीक है, ऐसे होता तो ये क्या होता, असंयुक्त समुच्चय होता। समझिए ये सिंपल क्वेश्चन है इसके, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर ही लोगे। अब देखते हैं इसमें और अपने सिलेबस में है सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न है। 1.5 अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन 1.6 अपने सिलेबस में है, उसमें क्या है, सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न है, तो उसकी देख लेते हैं इसमें जो भी है, उसमें फॉर्मूले वगैरह अप्लाई होने हैं तो उनकी बात कर लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लें, तो उसके देखते हैं फॉर्मूले। अब लिखते हैं इसमें फॉर्मूले, बेसिक देख देते हैं इनका, 2 समुच्चयों के सम्मिलन इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके 1.6 है इसके फॉर्मूले पर यही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सिंपल क्वेश्चन होंगे। तो 2 समुच्चयों के हेडिंग लगाओगे सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, दो समुच्चयों के सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक क्वेश्चन। तो इसमें लिखोगे
फर्स्ट इसमें यदि ए तथा बी दो प्रेमी समुच्चय हैं तथा यू सात्विक समुच्चय, यू क्या हो सात्विक समुच्चय, बताया हुआ है सात्विक समुच्चय में सारे के सारे एलिमेंट ही होते हैं, ए और बी है तो इनके सारे के सारे एलिमेंट होंगे यू के पास, इसके पास एक्स्ट्रा हो सकते हैं इनसे कम नहीं हो, तो यहां पर फॉर्मूला लगाओगे एन ए यूनियन बी इक्वल में एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये यहां पर है एन ए ए की अवयवों की संख्या, एन बी बी की अवयवों की संख्या, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन अवयवों की संख्या, ए यूनियन बी दोनों के दोनों सारे एलिमेंटों की संख्या को प्रदर्शित करेंगे, याद रहे। सेकंड इसमें लगाओगे यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी दो असंयुक्त समुच्चय, दो प्रेमित असंयुक्त समुच्चय, दो प्रेमित असंयुक्त समुच्चय, यदि ए तथा बी दो प्रेमित असंयुक्त समुच्चय हो तो एन ए यूनियन बी इक्वल में रहेगा हमारा सिर्फ एन ए प्लस एन बी, क्यों रहेगा, क्योंकि असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं होता, असंयुक्त समुच्चय में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं होता, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल यहां पर क्या रहेगा जीरो रहेगा या फाइव रहेगा, फाइव बोल सकते हैं, लेकिन एन आ गया यानी उसके अवयव बताने तो अवयव उसमें कितने रहेंगे जीरो, ये दो फॉर्मूले लिखो और लिखते हैं इसमें, और फॉर्मूले भी हैं इसमें लेकिन इन फॉर्मूले से क्वेश्चन लगभग हो ही जाएंगे, ये फर्स्ट नंबर फॉर्मूला तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फर्स्ट के फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये काम में आएंगे ट्वेल्थ में। थर्ड लिखते हैं इसमें यदि ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय न, असंयुक्त समुच्चय न, ए और बी क्या न हो असंयुक्त समुच्चय न, तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या निकालोगे, समुच्चय ए में केवल एलिमेंट्स की संख्या निकालोगे, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या जो बी में नहीं है तो क्या आएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन, समुच्चय ए में सिर्फ एलिमेंट्स पूछे हो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या निकालनी, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या जो समुच्चय ए में नहीं है तो क्या आएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सिर्फ समुच्चय ए में अवयवों की संख्या पूछी है तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या पूछी है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक फॉर्मूला और है लेकिन अंतर वाला आपके हट ही गया, तो वो आपके तो इतने फॉर्मूले हैं जो आपने इसमें ज्ञात करने, इन फॉर्मूलों पर आधारित ही क्वेश्चन होंगे आपके व्यावहारिक क्वेश्चन, बाकी और इसमें जो है पूरक और अंतर वाले तो वो तो आपके सिलेबस से ही हट चुके हैं, तो वो फॉर्मूले आपके नहीं है, तो कल ये फॉर्मूले इतना यहां तक ये कंप्लीट याद करोगे, बाकी फिर भी आपको किसी भी चैप्टर में या पहले हो चुके हैं, पहले जैसे अपना फोर्थ चैप्टर हुआ था वो तो करना ही नहीं है, वो तो हमारे सिलेबस से ही हट गया, फिर भी कोई भी आपके इसमें जो भी चैप्टर चल रहा है या जितना कुछ हुआ है उसमें डाउट होता है तो आप कमेंट्स में अपने डाउट लिख के सेंड कर सकते हो, और वो आपको जो भी नेक्स्ट लेक्चर होता है उसमें वो आपको डाउट सोल्व करवाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप करके देखोगे, फिर भी ना हुए तो नेक्स्ट लेक्चर में करवा दिए जाएंगे, लेकिन आप अपने डाउट्स सेंड करोगे।